मैट्रिक की परीक्षा में इस बार लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा। जिलाधिकारी द्वारा परीक्षा शुरू होने से पहले परीक्षार्थियों को परीक्षा हॉल आने की गई अपील। समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में मैट्रिक परीक्षा को लेकर बैठक आयोजित की गई। डीएम ने बताया कि सरकार और मुख्यमंत्री की सोच के मुताबिक लड़कियों को आगे बढ़ाने का जो प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है उसका असर भागलपुर में देखने को मिल रहा है। वहीं परीक्षा के दौरान किसी भी तरीके की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट या मोबाइल ले जाने पर रोक है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि परीक्षा में बच्चे शामिल होंगे इसलिए उनकी मदद अभिभावकों को भी करनी होगी और परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने की अपील उन्होंने परीक्षार्थियों से की। स्टार्ट हो रही है, अभी इंटर की परीक्षा हुई है, बीपीएससी की परीक्षा हुई है, तो बहुत बढ़िया से शांतिपूर्ण माहौल में परीक्षा संपन्न हुई। तो आज हम लोगों ने सेंटर सुपरिटेंडेंट, पुलिस ऑफिसर्स, मजिस्ट्रेट सबके साथ मीटिंग किया है, सबको बता दिया है और बहुत बढ़िया माहौल में जो है परीक्षा होगी। और एक बहुत सुखद ट्रेंड भी जो है वो देखने को मिल रहा है, जैसे इस बार मैट्रिक में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है भागलपुर जिले में। तो जो सरकार प्रयास कर रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, तो ये सब का बहुत अच्छा असर देखने को मिल रहा है कि लड़कों से ज़्यादा संख्या में लड़कियां जो है वो सम्मिलित हो रही हैं। तो शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग जो है मैट्रिक, वही जो समय है समय से पहुँचे, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले पहुँचना है और वो सब कुछ लिखा हुआ है, पेपर में भी विज्ञापन आया है, तो जो समय है उसको फॉलो करिए। कोई सामग्री लेके नहीं जाना है, अच्छे से फ्रिस्किंग भी गेट पर होगी। और चूंकि मैट्रिक के बच्चे छोटे होते हैं, लड़के लड़कियां, तो उनके पेरेंट्स को भी उनकी मदद करनी चाहिए कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से बढ़िया माहौल में परीक्षा हो।